के क्यार के बीच खेले गए महामुकाबले में एक शानदार शत पारी खेलकर हैरी ब्रुक काफी चर्चाओं का विषय बने जी सीजन का पहला शतक हमें देखने को मिला हैरी ब्रुक के बल्ले से 13 करोड़ 25 लाख की कीमत पर खरीदा गया यह खिलाड़ी जिसको खरीदने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी तेरह करोड़ तक की बोली लगाई थी लेकिन अंत में जाकर हैदराबाद की टीम ने तेरह करोड़ पच्चीस लाख में इस खिलाड़ी को खरीदा और अपने खेमे में लाए चौबीस वर्ष खिलाड़ी ने शानदार शतक जड़ के आईपीएल के सारे समीकरण को बदल के रख दिया और जिस तरीके

शानदार पारी खेलते नजर आए करीब रन की पार्टनरशिप हैरी ब्रुक और एडन माकरम के बीच हुई हैरी ब्रुक ने पचपन गेंद में 100 रन नाबाद बारह चौके और तीन छक्के और 181 के स्ट्राइक रेट से बनाए नाबाद इनकी पारी रही पचपन गेंद में ही अपना शतक पूरा किया था आखिरी ओवर में जाकर शतक पूरा किया था लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी पारी को बिल्ड किया और एक बड़े स्कोर को यहाँ पर कहीं ना कहीं अंजाम देते नजर आप कल्पना करिए कि अगर हैदराबाद टीम 228 रन नहीं बनाती तो आसानी से के के आर की टीम यह मुकाबला जीत जाती क्योंकि कई बार हमने बैगलोर की बात कर ले चेन्नई मुंबई के के आर की बात कर ले सब ने शुरुआत बहुत अच्छी दिलाई लेकिन मिडिल ओवर में रन नहीं बनाया जिसकी वजह स्कोर 215 210 205 तक रह जाता लेकिन अगर हैदराबाद इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाती तो के के आर ये मुकाबला आसानी से निकाल लेती क्योंकि के के आर भी चेस करते करते दो सौ पांच रन तक पहुंच गई थी हैरी ब्रुक ने पचपन गेंद में सौ रन बनाया जिसमें एडन माक्रम ने छब्बीस में पचास रन के साथ इनका पूरा साथ दिया सत्रह में बत्तीस रन अभिषेक शर्मा ने बनाया तीन चौके दो छक्के उन्होंने मारे थे मार्क्रम ने पांच छक्के मारे थे देखा जाए किस तरीके से यहां पर करीब ग्यारह छक्के तो एसआरएच के बल्लेबाजों ने मारे थे लेकिन जब के की बारी आई तो केक्यार के की तरफ से भी हमें ग्यारह छक्के ही देखने को मिले थे जिसमें जगदीशानंद ने एक और छह छक्के नीतीश राणा ने रिंकू सिंह ने चार छक्के मारे थे राणा ने इकतालीस गेंद में पचहत्तर रन की पारी खेली तो रिंकू सिंह के बल्ले से इकतीस गेंद में अट्ठावन रन की पारी आती नजर आई है। लेकिन हैरी ब्रुक की शानदार पारी के दम पर जिस तरीके से चर्चा बनी रही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इन्हें मिला क्योंकि हैरी ब्रुक ने सीजन का पहला शतक जड़ा और शानदार तरीके से मुकाबले में जीत दिलाई रसल ने पूरी कोशिश करी थी कि हैरी ब्रुक को भी रोका जाए तीन विकेट चटकाए

वाले खिलाड़ी के बल्ले से उम्मीद करते जानकारी पसंद होगी बहुत बहुत धन्यवाद